नमस्ते किसान भाइयों, स्वास्थ्य फार्मिंग में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पपीते के बारे में। पपीते का जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बहुत कुछ बोलने का है इसमें, लेकिन समय और व्यस्तता के कारण आज हम ये वीडियो बना पा रहे हैं। काफ़ी बार किसानों से वायदा किया है कि अभी हमारा वीडियो आने वाला है, लेकिन नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अभी हमने छोटा सा एक वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां हो तो हमको माफ़ कीजिएगा। तो किसान भाई, जो पपीते की खेती है वाकई बहुत लाभकारी है, फ़ायदे का सौदा है। घाटा इसमें तब है जब हम इसमें कुछ भूल करते हैं। जैसे आजकल लोग काफ़ी, जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं जैसे कि अपना गेहूं का खेती करते हैं, गन्ने का खेती करते हैं, जिसमें हमें बाजार भाव पर डिपेंड रहना पड़ता है और जिसमें हमारा जो पैसा है वो भी सही समय पर नहीं मिलता है। किसानों की सरकारों के मुँह की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन पपीते खेती एक ऐसी खेती है जिसमें किसानों को मोटा मुनाफा मिल सकता है। पपीते के रेट, पपीते की जो खेती है विभिन्न विभिन्न राज्यों में होती है, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, छत्तीसगढ़ है, हमारे यूपी में अभी स्टार्ट हुआ है, और हर जगह पपीते का रेट डिफरेंट है। महाराष्ट्र में मिनिमम जो रेट जाता है वो 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, और मैक्सिमम जो जाता है 18 रुपये 20 रुपये किलो जाता है। देखिए 18-20 तब रहता है कि जब वहाँ पे क्रॉप स्टार्ट हुई होती है। लेकिन हमारे उत्तर भारत में पपीते का भाव हमेशा सही रहते हैं। लेकिन खेती, जो पपीते की खेती करने का जो विचार है फिर किसानों का, बहुत सही है। लेकिन उसमें है ना, कुछ उनको अपने निर्णय में ना कुछ आपको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। जैसे क्या है कि आपको जब भी दिमाग में आता है कि चलिए पपीते की खेती की जाए, वैसे आजकल इतनी ज़मीन तो किसी के पास है नहीं कि जो फालतू में अपनी ज़मीन घेरे और अपने पैसे को बर्बाद करें। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि पपीते खेती वाकई लाभकारी है, लेकिन इसमें ना कुछ आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और इस चैनल पे, यानी स्वास्थ्य फार्मिंग चैनल पे, आपको पपीते का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। आज वीडियो पर मेरे आने का ये मेन मकसद यही है कि हमारे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में जो कंपनियां काम कर रही हैं पपीते के प्लांट्स के लिए, वो महाराष्ट्र के लोग किसानों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ना छत्तीसगढ़ के किसानों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, ना कर्नाटक के किसानों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों को, क्योंकि ये किसान बहुत भोले वाले हैं, ये उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग इकोनॉमी दिखाते हैं कि 10 लाख रुपये एकड़ का बैठेगा, 12 लाख रुपये एकड़ का बैठेगा, और बहुत मोटे दाम पर पौध बुक कर लेते हैं। हालांकि इनके पास ना कोई नर्सरी है ना कुछ है, ये लोग जहाँ तहाँ अपने पौध तैयार कराते हैं और किसानों को वो पौध मुहैया कराते हैं, बाद में किसानों को घाटे की सेवा कुछ नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों, काफ़ी बातें हो गई, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की बात। जब भी आपका विचार हो कि हमें पपीते की खेती करनी है या पपीते का बीज लेना है, तो सबसे पहले जिस कंपनी का बीज आपको लेना है उसका डीलर ढूंढो अपने जिले में। यदि अपने जिले में डीलर नहीं है तो उस कंपनी की साइट पर जाकर के उसके नंबर निकालो, तब तो आपको बीज मिलेगा। यदि आप सोचोगे ऑनलाइन कंपनियां बीज प्रोवाइड कराएंगे, तो नहीं, आपको कंपनी के साइट पर जाकर के नंबर निकालें, नंबर निकाल करके तब अपना ऑर्डर बुक करें। बात आती है पौध की, तो जब पौध की बात आती है तो आप उन्हीं कंपनियों को फिर सर्च करते हैं
जिसमें मोटा मुनाफा दिखाते हैं। आपको बहुत सारे प्रलोभन दिया जाता है कि खेत से माल उठाएंगे और आपको पैसे देंगे, बाद में कोई नहीं आएगा, ये सत्य है। और मेरी बात का विश्वास नहीं तो आप करके देख लीजिए, आपको घाटा ही मिलेगा। या अगर किसी नर्सरी पे आप जाना चाहते हो, या कोई आपके कोई नर्सरी हो, तो उसके सीड का स्रोत पता करें कि सीड्स कहाँ से ले रहे हैं वो, क्या उनके पास बिल वगैरह है कंपनी का, तो उसे नर्सरी बनवाएं, या फिर खुद बीज लाएं और अपने घर पे सीड पौध तैयार करें और अपने लगाएं। पपीते की खेती में बिल्कुल नुकसान नहीं है, पपीते की खेती में बिल्कुल नुकसान नहीं है, नहीं है, नहीं है। पपीते की खेती से फायदा है, फायदा है, फायदा है। हमारे उत्तर भारत में कच्चा पपीता 12 रुपए से लेकर के 18 रुपए के बीच में बिकता है, वो भी जुलाई और अगस्त के महीने में। और हमारे यहाँ जो पक्की फसल है वो नवंबर लास्ट में रेडी हो जाती है, जो कि महाराष्ट्र की जो क्रॉप आती है उससे पहले चलना चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है बाजार में। लेकिन उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं कि किसान माल को तोड़ते हैं और डायरेक्ट लेके जाते हैं, लेकिन उसमें कैसे पकाना है, क्या सब कुछ करना है, ये सब कुछ आपको स्वास्थ्य फार्मिंग चैनल पे मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, और शेयर करने के बाद आप इस जो हमारी वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैंने भी कुछ किसानों, आपके ही किसान भाइयों, आपके ही हित के लिए कुछ बातें बोली हैं कि जहाँ भी पौध आपको बुक करानी हो, जैसे आपको हीरो कंपनी की कोई गाड़ी चाहिए तो आप हीरो के पास जाओगे, होंडा के पास जाओगे, आप हीरो के पास जाना, हीरो के पास जाओगे तो हीरो वाले की जवाबदेही होगी। होंडा की गाड़ी चाहिए तो होंडा वाले के पास जाओ, होंडा वाले की जवाबदेही होगी। मारुति की कोई कार लेनी है तो मारुति वाले के पास जाओगे, ना कि टाटा मोटर्स के पास जाओगे, टाटा वाले के पास जाओगे, ना कि मारुति वाले के पास जाओगे। इसीलिए जिस कंपनी का आपको माल चाहिए उस कंपनी के डीलर के पास जाइए, या अगर डीलर नहीं है तो कहाँ से वो माल ले रहा है उसकी पूरी संतुष्टि आप खुद से करें, अपने स्तर पर करें। किसान भाइयों, जो हमारा नर्सरी है, स्वास्तिक नर्सरी, ये खुर्जा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी वेस्ट में स्थित है। किसान भाई, यहाँ पपीते की पौध तैयार होती है और हमारे पास तीन वैरायटी हैं, जिसमें रेड रेडी 786 F1 है, कैलिना IBP9 F2 है, रेड सोलो F2 है। जो रेड रेडी 786 है बेसिकली हमारे पूरे भारत में लगाई जाती है और हर जगह ये खेती सक्सेस है। लोगों में भ्रम है कि रेड लेडी 786 में वायरस आता है, ऐसा कुछ नहीं है। वायरस आने के मुख्य कारण नर्सरी से भी होते हैं, कुछ किसानों खेत जो किसान जो करते हैं खेती तो वहां पे भी कुछ गलतियां होती हैं। तो रेड लेडी 786 पूरे भारत में लगाया जाता है, ये एक अच्छी वैरायटी है क्योंकि मोस्टली पूरे ऑल ओवर इंडिया में और बाहर के देशों में भी ये प्रजाति लगाई जाती है। बेसिकली इस प्रजाति के कुछ फ़ायदे हैं, रेडिटी 786 जो पौधा है पपीता का, जो वैरायटी किस्म है, रेडिटी 786 में नर प्लांट नहीं निकलते हैं। सबसे पहली खासियत ये कि रेडिटी 786 जो वैरायटी है, गाइनोडायलिसिस है, इसमें नर प्लांट नहीं निकलते, इसमें द्विलिंगी प्लांट निकलते हैं। पहचान ये है कि जो रेडिटी 786 की जो मादा है वो बोने किस्म की होती है, उसका जो फल है वो गोल साइज का आएगा, और जो उसका द्विलिंगी प्लांट है वो हर्मोफेरोडाइट होगा, लंबाई भी ज़्यादा होगी खेत के अंदर उसकी पेड़ की, और फ्रूट भी उसका कैप्सूल साइज आएगा। रेडिटी 786 का जो फल है उसको हम लंबी दूरी तक उसको लेके जा सकते हैं, यानी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी, शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, स्वादिष्ट है खाने में, काटने पे वो लाल निकलता है। दूसरा, बहुत सारी खासियतें इस वैरायटी की, किसानों को रेड लेडी 786 लगाना चाहिए। दूसरा, हमने बताया आपको कैलिना IBP9 F2, ये वैरायटी इंडोनेशिया की है,
इसमें आपके 2 से 5% मेल प्लांट निकलते हैं। रेड सोलो वो भी ताइवान की है, उसमें भी आपके 2 से 5% आपके मेल प्लांट निकलते हैं। बेसिकली ये थोड़ा सस्ती वैरायटी है लेकिन फ्रूट बहुत अच्छा आता है उसमें। तो किसान भाई हम बात करते हैं रेड लिटी 786 की। मोस्टली रेड लिटी 786 बहुत ज़्यादा लगाया जाता है और लोग लगा भी रहे हैं। कुछ किसान अच्छा मुनाफा पाते हैं, कुछ किसान घाटा खा लेते हैं, और घाटा होने के बावजूद जो पड़ोसी किसान होता है वो भी डिमोलराइज हो जाता है कि लोग उसे बोलता है कि भाई पपीते की खेती मत करो। जब भी हमारे जहन में आता है कि हमको पपीते की खेती करनी है तो हम लोग यूट्यूब चैनल को खोजते हैं कि कहाँ पर पपीते का चैनल मिले जहाँ से हमें अच्छी जानकारी मिले। तो इसीलिए चैनल को बनाया गया है स्वास्थ्य फार्मिंग, जिसमें पपीते का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। जब हम पपीते के जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे चैनल्स आते हैं, बहुत सारे वीडियोज आते हैं। बहुत लोग दावा करते हैं 1200 पेड़ लगाओ, 1300 पेड़ लगाओ एक एकड़ खेत में। आपको मिनिमम जो मेजरमेंट रखना है 8x6 रखना है, 8x6 से नीचे पपीता नहीं लगाना है। 10x6 कर लेंगे, जरूर नहीं है कि पौधे 1200-1300 लगे। अगर 800 पेड़ भी लगते हैं एक एकड़ के अंदर या 1000 पेड़ भी लगते हैं तो आपकी यील्ड बहुत अच्छी निकल के आती है। जब तक पौधे को धूप नहीं लगेगी, पत्ता फैलेगा नहीं और तना मोटा होगा नहीं, तब तक आपका फल आएगा नहीं सही से। पपीते का लगाने का जो समय है बहुत अहम है। पपीते में जो फर्टिलाइजर लगता वो अहम है। पपीते की जो फ्लावरिंग होती है उस समय जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अहम है। तो बहुत सारी जानकारियां हैं, पपीते का एक बहुत बड़ा विषय है जिसपे काफ़ी बोला जा सकता है लेकिन समय बहुत कम है। बस यही है कि जहाँ से किसान भाई पपीते की पौध बुकिंग करें, मेरा यही कहना है। क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा आपको मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं एक वीडियो में नहीं कवर होगा। वो हम लोग धीरे धीरे छोटी छोटी बाइट्स डालेंगे पपीते की, वाकई देखना जीवन बदल जाएगा किसानों का। और जो पपीते खेती करते हैं अगर ये वीडियो ये चैनल उन्होंने सब्सक्राइब किया और इसको थोड़ा देखे, चैनल बनाने का माध्यम ये नहीं है आपको लाइक्स मिलें या हम इससे पैसे कमाएं, नहीं, आपको अच्छी नॉलेज मिले, जो घाटा हो रहा है वो प्रॉफिट पर कन्वर्ट हो जाए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि पपीते की पौध वहाँ बुकिंग करें या तो कोई डीलर हो या जहाँ से वो सीड ले रहे हैं वो आपको कोई प्रूफ दे। कभी किसी ट्रेडर के पास से पौध बुकिंग मत कराना। अगर पौध बुकिंग करा ली है आप हमारे यहाँ पे आइए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। किसान भाइयों ये चैनल आप सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर भी करें, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी डालेंगे जिसमें सारा ये विषय रहेगा कि एक एकड़ में पपीता कितना लगना चाहिए, कैसे यील्ड निकलेगी, क्या फर्टिलाइजर देना चाहिए, क्या सब कुछ देना चाहिए, ये सब कुछ आपको बताया जाए, कब का पौधा लगेगा। ठीक किसान भाइयों, नमस्कार, धन्यवाद।